कोरोना का प्रहार, चीन को छोड़ कंपनियां कर रही हैं इंडिया को नमस्कार। क्यों है ये एक सुनहरा अवसर भारत के लिए? कोरोना वायरस के कारण कई बड़ी कंपनियां चीन से बाहर अपना प्रोडक्शन प्लांट ले जाना चाहती हैं। ऐसे में भारत इन कंपनियों के लिए एक बेहतर विकल्प बनकर उभरा है। इसके लिए भारत सरकार भी लगातार कोशिशें कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दामिनी और आप सब देख रहे हैं पगार बुक का यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे उन कंपनीज के बारे में जिन्होंने भारत के मार्केट में खुद को स्थापित करने के लिए चीन से एग्जिट ले लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन से बाहर जाने वाले व्यवसायों को लुभाने के लिए भारत उनके लिए ना सिर्फ दोगुना जमीन तैयार कर रहा है बल्कि हर संभव कोशिश कर रहा है उन्हें यहाँ बुलाने की। इस प्रयास को सार्थक बनाने के लिए देश भर में लगभग 4,61,589 हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान की गई है। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में 1,15,131 हेक्टेयर मौजूदा औद्योगिक भूमि शामिल है। दरअसल जो विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती है उनके लिए यहाँ भूमि लेना सबसे बड़ी बाधाओं में से एक रहा है। यही कारण है कि इस मुद्दे पर इतनी मेहनत की जा रही है। चीन में उत्पादन कर रही लगभग 1,000 कंपनियां भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग सेंटर स्थापित करने को इच्छुक हैं और इनमें से लगभग 300 कंपनियां सक्रिय रूप से सरकार के विभिन्न स्तरों पर बातचीत भी कर रही हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण पैदा हुई दिक्कतों के बीच लगभग 1,000 विदेशी कंपनियां सरकार के अधिकारियों से भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाने को लेकर बातचीत कर रही हैं। और ये इस बात की तरफ इशारा है कि आने वाले दिनों में चीन से दुनिया का पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग हब होने का तमगा छिन सकता है। कम से कम 300 कंपनियां मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल्स तथा सिंथेटिक फैब्रिक्स के क्षेत्र में भारत में फैक्ट्रियां लगाने के लिए सरकार से सक्रिय रूप से संपर्क में है। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल सितंबर में एक बड़े फैसले के तहत कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 25.17% कर दिया था। नई फैक्ट्रियां लगाने वालों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 17% पर ला दिया था, जो दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे कम है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट में कटौती के साथ साथ देश भर में लागू GST से भारत को उम्मीद है कि वह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अच्छा खासा निवेश आकर्षित करेगा। और इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप 24 ऐसी मोबाइल कंपनीज हैं जो अपनी निर्माण फैक्ट्री इंडिया में स्थापित करने को राजी हैं। सिस्को, अडोबी, फेडेक्स, UPS जैसी कई बड़ी कंपनीज चाइना से एग्जिट लेकर भारत के उत्तर प्रदेश में खुद को स्थापित करने की प्रक्रिया में है। अमेरिका की 100 से भी ज्यादा कंपनीज अपने बेस को शिफ्ट करके उत्तर प्रदेश में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की तैयारी में है। एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के भी कुछ एक प्लांट्स इंडिया में आ सकते हैं। साउथ कोरियन फर्म्स जैसे कि पोस्को, ह्यूंडई भी बातचीत की प्रक्रिया में है ताकि वो अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया शिफ्ट कर सके। कृषि, इलेक्ट्रॉनिक्स, वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंटेशन, चिकित्सा, लॉजिस्टिक्स, रक्षा, विमानन इत्यादि क्षेत्रों में इनकी रुचि है। इन खबरों के मद्देनजर काफी अच्छा स्कोप यहाँ बन रहा है भारत के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार इन कंपनी से बातचीत कर रही है। यूपी गवर्नमेंट के MSMEs मिनिस्टर सिद्धार्थ नाथ सिंह ने US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम वेबिनार के जरिए इनसे बात भी की है। लॉकहीड मार्टिन, जो दुनिया की बिगेस्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरर मानी जाती है, इसका एरोस्पेस में भी बहुत बड़ा नाम है, ये भी भारत का रुख कर सकती है। हनीवेल, जो दुनिया का बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर प्लेयर है। बॉस्टन साइंटिफिक, जो मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी है। सिस्को सिस्टम्स, UPS और फेडेक्स भी विचाराधीन है भारत के प्रदेशों में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने में। UPS और फेडेक्स UP में निर्मित जेवार एयरपोर्ट पर लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज बनाने को प्रयासरत हैं। साथ ही मास्टर कार्ड जैसे अग्रणी नाम ने भी कहा है कि वो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को एक्सप्लोर करना चाहती है और ये भी चाहती है कि अपने प्रयासों से छोटे किराना दुकानों को डिजिटल पेमेंट्स की सुविधा मुहैया करवाएं ताकि वो डिजिटल लेवल पर सक्षम बने। कुल मिलाकर अभी बन रहे समीकरण में काफी सारे फायदे भारत को देखने को मिल सकते हैं। ये कोरोना पैंडेमिक हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर निरंतर इन कंपनीज को अच्छी सुविधा मुहैया करवाने का आश्वासन दे रही है। यहाँ स्किल्ड लेबर्स हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स की सुविधाएं हैं,
पानी बिजली भी उपलब्ध है। साथ ही साथ राज्य सरकार इन कंपनीज के आगमन पर कई सारे इंसेंटिव्स जैसे कि कैपिटल सब्सिडी, लैंड सब्सिडी भी दे रही है। इंडस्ट्रियल और सेक्टोरियल पॉलिसी में बदलाव भी किए जा रहे हैं। इन सुविधाओं और प्रयासों के मद्देनजर इस बात की आशा की जा रही है कि ये कंपनियां भारत का रुख जरूर करेंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, और अगर आप पगार हुक पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। नमस्कार।